विक्रम कुमार तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का एक टैलेंटेड डायरेक्टर है और डायरेक्टर विक्रम ने डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा को लेकर फिल्में बनाते हैं। और आज मैं ऐसे ही थैंक यू का डायरेक्टर विक्रम कुमार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो सही वीडियो शो से तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, साइलेंट स्क्रीम। यह 1998 का एक हॉलीवुड फिल्म रहा और जिसको डायरेक्ट किया था विक्रम ने और इसी फिल्म के साथ उनका हुआ था डायरेक्शनल डेब्यू और जहां पर उन्होंने इसे शॉर्ट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता था। नंबर टू, इश्तम। ये 2001 में आई ड्रामा फिल्म जहां पर चरण दुदला, श्रेया शरण और पूनम को लीड रोल में नजर आई है और इसमें काइंड लड़की नेहा और कार्तिक के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है और ये रहा एवरेज। नंबर थ्री, अलाई। ये 2003 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जहाँ पर सिलम बरसान और त्रिशा लीड रोल में नजर आई है और इसमें आधीप और मीरा दोनों का लव लाइफ को लेकर कहानी को दिखाई है पर ज़्यादातर इस फिल्म को मिला है नेगेटिव रिव्यू और ये रहा फ्लॉप। नंबर फोर, यावरूम नालम और जिसका तेलुगु वर्जन आई 13B और ये 2009 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जहाँ पर आर मधवान, नीतू चंद्रा लीड रोल में नजर आई है। इसमें मनोहर अपनी फैमिली के साथ एक नया अपार्टमेंट का 13th फ्लोर पर उठता है और इसके बाद कैसे एक साइको स्पीड का सामना करते हैं वह इसमें दिखी है और इस फिल्म को उस वक्त मिला था ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स जहां पर बजट था 12 करोड़, कलेक्शन रहा 32 करोड़ और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर फाइव, इश्क। और ये 2012 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जहाँ पर नीथिन और नीथिया मेनन को लीड रोल में नजर आई है और ये 2012 का रहा वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जहाँ पर दोनों के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है और इस फिल्म का ह्यूज क्रेज की वजह से बाद में इस फिल्म को टोटल 4 भाषाओं में की गई है रीमेक। बांशी बंगाली, इंडियन बंगाली, तमिल और ओडिया भाषाओं में की गया था रीमेक जहाँ पर बजट था सिर्फ 8 करोड़। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन देकर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर सिक्स, मनम। ये 2014 में आई फैंटेसी ड्रामा फिल्म जहाँ पर किंग नागार्जुना साथ में अक्कीनेनी नागेश्वरा राव, नागा चैतन्या, समंता यानी कि फुल फैमिली को एक फिल्म भी दिखाया था और इसमें बिट्टू अपने पेरेंट्स को खोने के लगभग 30 साल के बाद कैसे उसका पेरेंट्स का पुनर्जन्म होता है वह इसमें दिखी है और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स और फैमिली ऑडियंस के पास मनम फिल्म काफ़ी फेवरेट है जहाँ पर इसका बजट था 25 करोड़, कलेक्शन रहा 65 करोड़ और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर सेवन, 24। और ये 2016 का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जहाँ पर मारा सूर्या, नीथिया मेनन और समंता लीड रोल में नजर आई है। इसमें लेजेंडरी बुद्धि धर्मा का कहानी को दिखी है और जहाँ पर मारा सूर्या का रहा ट्रिपल रोल। एक तरफ उन्होंने साइंटिस्ट सेथुरामन जिसमें सबसे हाईलाइटेड कैरेक्टर रहा आत्रिया एक विलेन वाला रोल और मारा सूर्या का परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को मिला है ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स जहाँ पर बजट था 60 करोड़, इसका कलेक्शन रहा 120 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर एट, हेलो। ये 2017 का रोमांटिक एक्शन फिल्म है जहाँ पर अखिल अक्कीनेनी, कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में नजर आई है और इसमें अविनाश कैसे अपने बचपन का प्यार प्रिया को ढूंढने की कोशिश करते हुए इसमें दिखी है जहाँ पर इसका बजट था 30 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 42 करोड़ और ये रहा एवरेज। नंबर नाइन, गैंग लीडर। ये 2019 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म जहाँ पर नाचेस्टर नानी, लक्ष्मी और सानिया को लीड रोल में नजर आई है। इसमें क्राइम नोवेलिस्ट 5 वोमेन के साथ मिलकर कैसे एक मर्डर का रिवेंज लेते हैं वह इसमें दिखी है और जहाँ पर इसका बजट था 25 करोड़, कलेक्शन रहा 45 करोड़ और ये रहा एवरेज। नंबर टेन, थैंक यू। और जहाँ पर अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर नागा चैतन्य और राशि खन्ना को लीड रोल में नजर आएंगे। इसमें एक हॉकी प्लेयर अभी का जानी को दिखाया जाएगा और जिन्होंने हर वक्त अपनी लाइफ में सबको थैंक्स देना चाहते हैं यानी कि देखा जाए तो ये फिल्म होने वाले है एक ग्रेटिट्यूड वाला फिल्म जहाँ पर नागा चैतन्य को 3 डिफरेंट लुक्स में नजर आएंगे और जो होने वाले है एक इमोशनल रोलर कोस्टर वाला फिल्म और जहाँ पर ये फिल्म काफ़ी ग्रैंड वेस है 22 जुलाई रिलीज होगा। दोस्तों आप थैंक यू के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट पे बताइए और आपको क्या लगता है क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगा या नहीं।
दोस्तों ये रहा थैंक यू का डायरेक्टर विक्रम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।